गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग? तो आई होप सब बढ़िया होंगे। तो बस चलते हैं, स्टार्ट करते हैं काम। तो ये जो बॉक्सेस जो आते हैं, खाना पैक होके आते हैं कंटेनर, तो ये सभी के घरों में आजकल आते हैं। कोई भी हर चीज पैकिंग में ही आने लगी है, तो ये बहुत काम आते हैं और इनको जो है हम लोग फेंकते नहीं है, सभी का वही रहता है और अच्छे भी रहते हैं, ये इतने हल्के नहीं होते हैं। और फिर अगर कुछ दिन बाद खराब हो जाए तो इनको फेंकने में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो बॉक्स थे इनमें खाना पैक होके आया था, तो बस इसमें मैंने एक में अदरक जो है रख दी, क्योंकि ऐसा होता है जैसे हमने आधा किलो या 2.5 किलो इकट्ठी ले ली, धो के साफ करके रख दी, तो सारी हम अदरक बाहर तो रखते नहीं है कोई भी चीजें, तो थोड़ी सी जो है मैं किचन में बाहर रखती हूँ, क्योंकि दिन में जितनी चाहिए होती। बाकी इस तरह से जो है टिश्यू पेपर लगा के बॉक्स में पैक करके हम लोग रख देते हैं। ये मैगी के छोटे छोटे पैकेट हैं, क्योंकि अब बच्चे बाहर रहते हैं, हम लोग खाते नहीं है, तो बस इस तरह से जो है ये ब्रेड के हैं जो स्लाइसेस हैं, थोड़ी सी पैकिंग में बच जाते हैं, तो इनको निकाल के कंटेनर में अच्छी तरह से रख दो, तो ये जो है ताजा भी रहते हैं और फ्रिज भी ऑर्गेनाइज रहती है। तो ये जो बॉटल्स हैं, छोटी छोटी जो शीशियां हैं, तो ये शीशियां मुझे मेरा जो फोन आया था उसके साथ इसमें ड्राई फ्रूट पैक होके आए थे, बहुत क्यूट सी प्यारी सी है ये वर्निया। तो इनमें बस जो मीठी जो एक सौंफ वगैरह जो आती है मीठी, जो हम खाने के बाद में लेते हैं, तो बस मैंने कहा इसमें, और मसाला बॉक्स में जो है स्पून थे तो मेरे पास एक एक्स्ट्रा थी, तो इसको भी मैंने इसमें डाल दिया है। तो क्या होता है कि हम ना चीजें जो है किचन में हम लोगों की आदत होती है कि चेंज करते रहते हैं, कभी इस बॉक्स को उसमें कर दिया, खाली कर दिया से। ये जो संतरे की गोलियां हैं ये अब बहुत कम जैसे चलती हैं, पहले चलती थी, लेकिन अभी क्या, जब मैं घर गई थी ना तो वहां पे कुछ सामान खरीदा था, तो ये मम्मी ने ली थी, तो पैकेट जो है लोके से मेरे पास आ गए दोनों ही, तो मैंने इनको भी सामने रख लिया है करके। तो इस तरह से जब हम किचन में काम करते हैं या सामने चीजें दिखती हैं, तो हम इनको आसानी से जो है यूज भी कर लेते हैं, और रखी हुई बहुत प्यारी लगती हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि कितने अच्छे ये दोनों जो है छोटी छोटी सी जो है क्यूट सी बढ़नी है। तो ये कॉर्नर मैंने जो है ब्रेकफास्ट के लिए ही रेडी किया था, क्योंकि चीजें जब अंदर रखी होती हैं तो ठीक है हो जाती हैं, लेकिन जब सामने रखी होती है तो वो और भी अच्छी लगती है और हमें जरूरत पे सामने से दिख जाती है। तो ये मैं जो अभी ग्वालियर गई थी तब ये लेके आई थी मेले से, तो इनमें मैंने एक में ड्राई फ्रूट रख दिए हैं जो कि हमें डेली चाहिए होते हैं, चाहे वो भोग लगाने के लिए हो या कुछ बनाने के लिए हो। और एक में मैंने जो है गुड़ रख दिया है, क्योंकि गुड़ जो है इस समय सर्दियां भी चल रही, वैसे तो हमेशा ही गुड़ थोड़ा सा लेना चाहिए, लेकिन ये कि सर्दियों में तो बहुत मस्ट हो जाता है, तो मैंने सामने रख दिया। और इनका क्या कि मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, इतने छोटे टुकड़े इस तरह से कर दिए जितनी वाइट हम लेते हैं, तो इसमें तोड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और इजिली हमें ये उठाना नहीं पड़ता, यहाँ से ही लॉक खोल के और आसानी से सभी लोग निकाल लेते हैं। तो सबसे अच्छी बात ये हुई कि मुझे डब्बा उठा के खाली नहीं करना पड़ता। एक जो है ये खाली जार रखा हुआ है, इसके लिए भी मिर्च नहीं आ पा रही है, और मैं जो लाल वाली मिर्च है या मोटी वाली हरी मिर्च है उसका जो है थोड़ा सा, ज्यादा तो नहीं खाते हैं, लेकिन हाँ ये थोड़ी सी ताजी डालूंगी, उसके लिए मैंने इस कंटेनर को खाली रखा हुआ है। तो ये गुड़ के जो आप देख रहे हो ना डेली, तो बहुत अच्छे, मतलब ये होता है कि तोड़ने की दिक्कत नहीं रहती वैसे, नहीं तो मैंने फिर एक ही बार में ये काम कर दिया, छोटे छोटे पीस करके रख दिए। और ये आगे जो रख दिए जैसे भुजिया वगैरह है, ये कुरकुरे के जो पैकेट हैं, तो क्या होता है कि ना जैसे पाउच रखे हुए हैं ठीक है, लेकिन इनमें कंटेनर में करके रख देते हैं ना, तो जब जिसको चाहिए होता है तो ले लेते हैं। कभी कभी चाय के साथ थोड़ा चेंज करने का मन करता है, तो सभी लोग जो है जिसको जो लेना होता है, हल्की छोटी छोटी चीजें हैं जो यहाँ पे रख दिए हैं। तो मुझे जो ग्लास के जो कंटेनर है ना मेरे पास तकरीबन बस थोड़े से ही रह गए हैं प्लास्टिक के, वो भी सेलो के हैं, बाकी मैंने सारे चेंज कर दिए हैं। और यहाँ पे इलायची रख दी है, स्पून का जो स्टैंड है वो तो रखा ही हुआ था, ये नीचे का है। और बस करने के बाद जो है ये बाउल जो लेके आई हूँ मैं, तो ये 4 का सेट है और ये इतने अच्छे बाउल हैं। और क्या होता है कि जब हमें कभी कभी चीज ना बहुत सस्ती भी मिल जाती है और सोचा भी नहीं होता, वो उतने काम भी आती है। तो इसमें हम जैसे ना मंचूरियन वगैरह है या पोहा, कुछ भी आप एटलीस्ट मतलब कुछ भी खा सकते हो, गहरे हैं, अच्छे हैं बहुत, इनमें क्वांटिटी भी बढ़िया आ जाती है। और सेरेमिक के हैं ये, तो इजी वॉश है, कोई दिक्कत नहीं है। हाथ में जो मैंने चलनी पकड़ी हुई है, वैसे ये शिंक के लिए है, लेकिन मैं इसके शिंक के लिए यूज नहीं करूंगी, इसको मैंने घी के लिए जो है यूज करूंगी छनने के लिए। और ये जो एक बाउल आपको दिख रहा होगा तो आपको शायद इतना नहीं लग रहा होगा, पर ये काफी गहरा है, बड़ा है, आप सोच भी नहीं सकते। मैं लेने वाली थी इस तरह का, तो मुझे स्टील का लेना था। कभी कभी क्या होता है ना, हजारों की चीज हम सोच के बैठते हैं और हमारा बहुत सस्ते में काम हो जाता है,
तो बिल्कुल सही, ये कंपनी का ही है, लोकल नहीं है। और इसको मैंने मतलब मात्र ना 100 रुपए में मुझे ये मिल गया, मुझे खुद को यकीन नहीं हो रहा। और काफी बड़ा साइज है, बिग साइज है, तो इसको लिया है मैंने मलाई मक्खन निकालने के लिए, जैसे दही वगैरह जमा के। तो अब मैं आपको बता रही हूँ कि मैं कैसे मलाई मतलब मक्खन निकालती हूँ, घी कैसे बनाती हूँ। उसमें बिल्कुल भी जो है, जो नीचे कचड़ा सा रह जाता है जलने का, बिल्कुल भी नहीं रहता। तो इसको चलो करते हैं। तो मैं थोड़ा सा दही डाल के जमा देती हूँ, एक दिन पहले रात को जमा देती हूँ, या सुबह में जमा दो अगर आपको रात को चलाना हो। तो इस तरह से जब हम इसको जमा देते हैं तो इजिली मक्खन बहुत अच्छा निकल आता है, और जो है वेस्टेज बहुत कम निकलती है ना। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते जा रहे हैं और इसको चलाते जा रहे हैं। अभी तो मैंने चलो ब्लेंडर से चला दिया है, नहीं तो अगर इसको चाहे तो हम चमचे से भी, अगर करछी से भी घुमाएंगे तो बहुत जल्दी निकल आता है, क्योंकि जमा देते हैं तो पानी अलग हो जाएगा। पर हाँ, थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना साथ साथ में, उससे क्या होगा बटर बहुत अच्छा और बढ़िया निकल के आता है। तो आप कैसे निकालते हो वो कमेंट करके बताइएगा, अगर इस तरह से निकालना चाहो तो आप देखना कि बहुत बढ़िया मक्खन, इतना ऐसे मार्केट जैसा मक्खन बिल्कुल बन जाता है। नमक मार्केट में क्या होता है, नमक पड़ा हुआ होता है, और ये इतना हार्ड और अच्छा बनेगा भी, आपको बताती हूँ मैं। तो बस इसको जैसे ही हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे, और ये बन गया प्योर, पूरा मक्खन निकल गया। तो इसको सबसे बड़ी बात ये है कि इसको पानी कम से कम, मैं 4 से 5 पानी में इसको ना धोना, कह लो कि धो लेते हैं ना, सीधी सी भाषा में कहें तो, या कह लो कि पानी में डाल डाल के चेंज कर लेते हैं आप जो भी। तो मैं 2-3 बार 4 बार ऐसे ही बस इस, मैं कभी उसमें ऐसे करके। तो इससे क्या होगा, जो खटास वगैरह है या जो एक्स्ट्रा जैसे दूध थोड़ा बहुत, देखो कितनी भी मलाई निकालते हैं थोड़ा बहुत दूध भी चला जाता है या कुछ भी, तो मक्खन इतना बढ़िया निकलता है इसका, चाहे आप 1 महीने तक 15 दिन तक जैसे भी है इसको खाएंगे ना, बिल्कुल ये मक्खन फ्रेश रहने वाला है, क्योंकि इसमें जो है पानी से पूरा ये साफ हो जाता है और प्योर बटर इसमें रह जाता है। और इसका हम जैसे घी बनाएंगे तो घी भी बहुत बढ़िया बनता है, और बिल्कुल भी नीचे उसमें किसी तरह का कोई छानन नहीं, ज्यादा नहीं निकलता है। तो वो भी आप देखना। तो मैं बस इसको निकाल रही हूँ, लेकिन बता क्या सब, तो जो है मैंने ये बनने रख दिया है, तो इसको मैंने काट के दिखाया कि बिल्कुल पीस की तरह ये बनता जा रहा है, और ये बिल्कुल मार्केट जैसा। तो ये इसमें देखिए छानन भी आपको बहुत कम इसमें निकलेगा, नाम मात्र के लिए नीचे जरा सा है, और प्योर घी बिल्कुल एकदम बढ़िया जो है घी बन के हो गया है तैयार। तो बस इसको भी ठंडा होने के बाद मैं इसको डब्बे में छान के रखूंगी, क्योंकि अभी ये गर्म है। जो है आज सोफे के जो कवर वगैरह चेंज कर दिए हैं, क्योंकि जो है ना काम कोई भी है, बस कभी इधर बेडशीट वगैरह चेंज करनी है या सोफे के कवर चेंज करने हैं, तो इनको जो है चेंज करके तुरंत की तुरंत धो के रखने जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि ये इधर उधर पड़े रहते हैं। और अभी इस टाइम पे सर्दियां जो इस तरह से हो रही हैं, ये कपड़े भी सूखने में दिक्कत आती है, कभी धूप निकलती है और कभी बिल्कुल भी मतलब बादल से होते हैं। तो इन दिनों में खास करके जो मोटे कपड़े हैं ना, इनकी दिक्कत आती है। तो मैं रजाई के कवर वगैरह भी वॉश करने की सोच रही थी, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि 2 दिन के लिए भी अगर आप कहीं चले जाते हो ना, तो फिर 1 दिन तो आपको रूटीन में आने में लग जाता है, क्योंकि सारा जो है घर कहीं फैला है, या हम जहाँ से आए हैं कपड़े वगैरह भी हमारे धोने वाले हैं। तो इस तरह से जो है 1 दिन सेटिंग करने में, रूटीन करवाने में लग जाता है। तो बस मैंने यहाँ पे सोफे के कवर वगैरह बदल दिए हैं, और अब आज जो है बस रजाई के कवर भी धोने वाले हैं। तो मैं जो है रजाई के कवर व्हाइट यूज करती हूँ, कलर भी हैं, बच्चे वगैरह यूज कर लेते हैं, पर मुझे आदत है, मुझे ना व्हाइट कवर ज्यादा अच्छे लगते हैं, जो पहले चलते थे उनको जब हम धो देते हैं, नील भी लगा देते तो वो बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, उनके लिए थोड़ी सी धूप होनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, जब वो तेज धूप में सूखते हैं तभी उनका कलर जो है अच्छे से आता है। तो मैंने कहा अभी जब धूप निकलेगी तब करूंगी। और रसोई का जो है शाम को जब हम, लगता है ना कि खाना ना बनाने के बाद में काफी काम हमारे ऐसे होते हैं जो कि रात को बर्तन खाली करने हैं, जैसे सुबह धोने आती है तो बर्तन खाली करने हैं, कुछ कंटेनर वगैरह डब्बे खाली हो जाते हैं, उनको हम रख देते हैं, तो फिर 2-4 दिन में उनका नंबर भी आता है कि इनमें क्या सामान रखना है, क्या इनको फेंकने हैं, क्योंकि कई आजकल पैकिंग में भी ना बहुत अच्छे अच्छे डब्बे जैसे पैक होके भी आते हैं, उनको भी फेंकने का मन नहीं करता है। तो इस तरह से जो है किचन में भी थोड़ा टाइम इस तरह से शाम को जो है लगाना होता है, क्योंकि
चीजें इधर उधर क्या होता है, थोड़ा चेंज करने से ना एक तो लुक अच्छा आता है, दूसरी बात क्या होता है हमें कुछ थोड़ा चेंज भी लगता है, तो अपने आप को कोई चीजें अच्छी लगने लग जाती है। बस जो है किचन की सफाई करने के लिए सामान वगैरह मैंने सेट कर दिया है, और इधर जो कॉर्नर था उसको भी मैंने डब्बे वगैरह खाली करके सबका करने के बाद जो है किचन को साफ करने लगी। तो ये बॉटल स्प्रे बॉटल जो है मैं लेके आई थी, तो मैं एक एक चीज मतलब छोटी छोटी चीजें लेके आई थी, लेकिन बहुत काम की जो मुझे चाहिए थी मैं वही लेके आई। तो इसमें मैंने जो है विनेगर डाल दिया, छोटी बॉटल होती है ना वो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, तो बस मुझे लगा कि ये थोड़ा बड़ा साइज है, मतलब ठीक है मीडियम साइज है, तो इसमें मैंने विनेगर की जो है आधी बॉटल इसमें डाल के, और जो लिक्विड बना रही हूँ घर पे जो बनाती हूँ मैं उसको, वैसे किचन क्लीनर भी है मेरे पास उसको भी यूज करती हूँ, लेकिन मैं बदल बदल के, मुझे थोड़ा सा आदत रहती है कि मैं घर की जो है ना बनाती हूँ तो वो मुझे ज्यादा रहता है, चाहे मैं लिक्विड सोप हो चाहे ये हो, तो इस तरह से क्लीनर वगैरह जो है ना घर के बने होते हैं उनमें आप अपने हिसाब से चीजें डाल देते हो। तो बस मैंने इसमें विनेगर डाल दिया है, और इसमें खाना सोडा थोड़ा सा जो है वो भी डाल दूंगी, और उसके बाद अभी मेरे पास लिक्विड ना जो विम बार वगैरह वो अभी खत्म हो गया है तो लाई नहीं हूँ, क्योंकि बर्तन धोने आती तो वो साबुन की जो है टिक्की उससे धोती है, तो लिक्विड मैं अपने लिए रखती हूँ, तो बस मैंने अभी लिक्विड खत्म हो गया था तो उसकी वजह से मैंने इसमें क्या किया कि थोड़ा सा खाना सोडा डाला, और जो सर्फ का जो पाउडर था उसको मैं इसमें डाल के, और अच्छी तरह से जो है इसका एक क्लीनर बन के जो तैयार हो जाएगा, तो चाहे हम इससे बर्तन भी धो सकते हैं या हम इसे स्लैब वगैरह साफ करते, गैस का स्टोव वगैरह बहुत अच्छे से इसे साफ हो जाता है, तो इस तरह से क्या ये चीजें सस्ती भी पड़ती हैं, और खुद से जब चीज हम कोई तैयार करते हैं ना थोड़ा अच्छी भी लगती है, तो ये हर किचन में तो होना जरूरी है। तो मुझे जो है ना, अगर आपने देखा होगा तो क्लीनिंग के लिए मैं जो यूज करती हूँ जैसे इस, तो बस ये किचन जब साफ हो जाती है ना तो देखने के बाद बहुत अच्छी लगती है। तो चीजें हम बना लेते हैं लेकिन उनको मेंटेन करना भी हमारी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि जब कोई भी चीज है लंबे टाइम तक अगर हमें चलानी है तो उसकी देखरेख करनी बहुत जरूरी है, चाहे वो घर का कोई भी कोना हो, चाहे वो कपड़े हो या घर हो या कुछ भी चीज होती है, तो अगर हमें लॉन्ग टाइम तक चलाना है तो उसकी फिर केयर करनी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। और अक्सर जो व्हाइट किचन है, सफाई तो सभी में चाहिए होती है चाहे कोई भी कलर हो, लेकिन व्हाइट है तो उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्लीनिंग की जरूरत हो जाती है, लेकिन आजकल चीजें भी इतनी अच्छी होती हैं तो वो इजिली साफ भी हो जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो जब मुझे सबसे अच्छा जो लगता है ना कि मैं जब किचन साफ करने के बाद जब मैं देखती हूँ ना, तो मुझे जो एक सेटिस्फेक्शन मिलता है देखने, तो मुझे लगता है क्योंकि किचन मैंने बहुत मन से बनवाई थी, लेकिन बस ये कि जगह थोड़ी कम थी, कुछ चीजें जो है वो रह गई वो मैं नहीं करवा पाई। तो जरूरी नहीं है लाइफ में कि हमें सारी चीजें जो है आसानी से मिल जाएं, तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन जो मिला है वो बहुत अच्छा है। तो बस ये क्लीनिंग करने के बाद में जो है, और इधर मैंने ये जैसे बोतल वगैरह रखी है तो आप दिखाए, ये रे स्टैंड भी मेरे बहुत काम आ रहा है, मतलब मुझे लग नहीं रहा था, और जब भी मैं किचन में करती हूँ या किचन को देखती हूँ तो ये कॉर्नर मुझे बहुत ज्यादा जो है अच्छा भी लगता है, और सामान मेरे सामने ही रहता है, तो ये मतलब कुछ चीजें होती ना कि अपने आप को खुशी देने वाली वो चीज होती है। तो बस आप लोगों से यही है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, अगर आपको अच्छा लगे तो जो है चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। कुछ वीडियो में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, एडिटिंग ऐप की तरफ से कुछ प्रॉब्लम इस तरह की आ रही है कि उसमें जो है पिक्चर और वॉइस मेल नहीं खा रही है, तो मैं उसको थोड़ा ठीक हो जाएगा तो, पर अगर कुछ भी हो तो आप लोग बताइएगा। सो गाइस चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।